संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला था युवक का शव। परिजनों का आरोप, आरोपियों ने पुलिस से मिली भगत कर हत्या को दिखाया। आत्महत्या, पत्नी और बेटी व सालों ने की पीट पीट कर हत्या। चश्मदीद ने भी किया खुलासा, नहीं हुई कार्यवाही। सैकड़ों लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की बात तो करती है, लेकिन कानून के रखवालों की मिली भगत के चलते अपराधों पर अंकुश नहीं रख पा रहा। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां बीते 7 मई 2024 को कमरे में खून से लथपथ युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या मृतक की पत्नी व पत्नी के भाइयों ने मिलकर की थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने मृतक की हत्या को आत्महत्या दर्शाकर मामले को रफा दफा कर दिया है। घटना में चश्मदीद गवाह एक पुत्र व पुत्री द्वारा पुलिस को अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब मृतक के परिजन पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम असेंधी से जुड़ा है। से आई हूँ मैं, तो असेंधी से आई हूँ। आपका थाना कौन सा है? थाना किशनी है। अच्छा, क्या पूरा मामला है? यहाँ पर तमाम जो ना सैकड़ों तादाद में आए हुए आप लोग। मेरे भाई का कत्ल कर दिया भाभी ने, उनके भाइयों ने, और कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 15 दिन से हम भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, हमें कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। आगरा से लगाए मैनपुरी तक हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है सर, हमें इंसाफ चाहिए। अगर कत्ल की बात करें तो कैसे कत्ल किया है? कत्ल उसी ने किया, वो घर पे बैठी है, उसके पता है घर में इतना खून और कह रही है उसे फांसी लगा दी। नहीं, अगर मारने की बात की जाए तो क्यों मारा है आखिर को, क्या कारण था? खेती की वजह से मारा सर। किसने? भाई, उसके भाइयों ने और भाभी ने। उसके भाइयों ने गाड़ी ली है, भाई से कह रहे गाड़ी खेत बेच दो, गाड़ी की किस्त भरे। भैया ने मना कर दी, भैया ने ये कहा था हमारी बच्ची बड़ी बड़ी हम उनकी शादी ब्याह करेंगे, लेकिन भाई ने मना कर दिया, इसलिए वो घर पे आए। भाभी अपने घर गई थी, 7 दिन बाद वो लौट के आई, प्लान बना के उसके साथ मारपीट की। 4 बजे आके मारपीट की, फिर 100 नंबर पे फोन किया, पुलिस भी आई, फिर मेरे भाई को ही मारा और पुलिस चली गई। भाई ने ये भी कहा था मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन 100 नंबर वाली पुलिस लेके नहीं गई। और रात को 11 बजे आए तो उसको मार पीट करके उसे घायल करके घर में डाल गए। घायल किया या मारी डाला? मारी डाला बिल्कुल, कुछ नहीं रखा। तो पुलिस क्या मान रही है इसको? पुलिस कह रही है इससे इंकारा है, कुछ फांसी बता रही है सर। फांसी लगा के आत्महत्या बता रही है? आत्महत्या बता रही है। लेकिन आत्महत्या कैसे की? इतना खून बह रहा था चारों तरफ। यही तो न्याय चाहिए सर, 15 दिन से भाग रहे, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। और बच्चों ने देखा, ये लड़की है, ये लड़का है, इन्होंने आँखों से देखा। क्या देखा? राधा में मामा लोग आए। अरे रुक जाओ, ये देखा आपके, ये लड़की बाहर लेटी थी, अंदर इसकी बहन और इसकी माँ और मामा अंदर थे। हाँ। और ये लड़की की जंगले में देख रही थी, उसे मार पीट कर रहे थे हथियारों से। अच्छा। घर पे वो डला था। आप पहले भी एसपी साहब के पास आई हो? हाँ। क्या आश्वासन मिला था पहले? पहले कुछ भी नहीं दिया सर ने। और जो हम कप्तान सर के पास अंदर गए, उन्होंने पूछा, हमने सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने ये कही कितने लोग हैं, हमने कही 7 लोग हैं, तो 7 लोगों की गिरफ्तारी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, आज 8 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक ठीक है। तुम्हारे मामा की मौत, तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? सामने देखो, सामने कौन से मामा आए थे, क्या नाम था उनका? और कितने मामा थे साथ में? 5 लोग। और मम्मी थी साथ में, और बहन भी थी तुम्हारी। तो क्या कमरे में मारा था? कैसे मारा था बताओ बेटा। मूसल मारा था। और तो तुम कहाँ थे उस समय? हम लोग खिड़की में लगे थे। अच्छा, खिड़की से देख रहे थे। बहुत यहाँ पे कप्तान साहब के यहाँ आई हो, क्या पूरा मामला था बेटा? मेरे पापा को मारा है, मार दिया है मामा ने और मम्मी ने मिलके खेत के पीछे। अच्छा, तो हम लोग न्याय चाहिए हम लोगों को। नहीं तो, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी पापा ने ही मारा? तुमने कैसे? मैंने देखा है अपनी आँखों से। क्या? पापा को मारते, मामा मारते हुए पापा को। अच्छा, पापा को मारते हुए। कितने बजे की घटना थी बेटा? और तुम लोग कहाँ थे? मैं बाहर लेटी थी और पापा कमरे में थे, मतलब कि मामा उठा के ले गई थी भीतर, और मम्मी मम्मी ने हाथ पकड़े और दीदी ने पैर पकड़े और मामा मार रहे थे, चाकू वगैरह चला रहे थे। दीदी ने क्यों हाथ पकड़े? दीदी आपकी दीदी ने? हाँ। दीदी बड़ी है? हाँ, 15 साल की है। अच्छा, तो दीदी ने क्यों पकड़ा? क्योंकि वो
मतलब कि मम्मी के साथ खेत के जो पैसे वगैरह लेने वो भी लेना चाहती। तो आपकी दीदी अपनी मम्मी की बात मानते थे? हाँ, वो उसकी उनकी बात मानती। तो क्या पहले भी मारपीट की थी आपके मामा ने? हाँ, पहले की थी 4 बजे। क्या 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 कहा था? ये कहा था कि अपने पापा को घर पे भेज देना, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा और तुम भी आना साथ में। तो मैंने मना कर दिया, पापा नहीं आएंगे। पुलिस वगैरह आई थी मारकूट की, और वो एक छोटे थे, वो उन्होंने पौरा वगैरह उठा लिया था कि मारने के लिए। तो इन लोगों ने, घर वालों ने समझाया कि ऐसा मत करो। फिर वो लोग चले गए, फिर दोबारा लौट के आए। फिर उन लोगों ने फिर खाना पीना खा के फिर चले गए, और फिर रात के 10 बजे आए वो लोग मारने के लिए। अच्छा, आपने ही देखा था कि और किसी ने भी देखा था मारते हुए? मेरे भाई ने देखा था, छोटा भाई था। सर, मैनपुरी में 7 तारीख को एक व्यक्ति की जो जैसा कि परिजनों का आरोप है उसकी हत्या की गई, क्या ये पूरा मामला है? परिजनों का आरोप है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, थाना किसनी के अशैंधी गांव का मामला था, जिसमें 7 मई को एक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी, जिसमें मृतक की पत्नी, उनकी एक नाबालिग लड़की और मृतक के सालों के विरुद्ध जो मृतक है उसके चचेरे भाई ने की FIR दर्ज कराई थी गैर इरादतन हत्या की, जिसमें पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है, और इसकी गहन विवेचना की जा रही है। उसमें 7 लोग नामित किए गए हैं, जिसमें से सभी के बारे में विवेचना की जा रही है कि कौन इसमें दोषी है, कौन किसकी मौजूदगी है। इस संबंध में मृतक की बहन है वो आई थी, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें साक्ष्यों के आधार पर विवेचना हो रही है, और जो भी पुष्टिकारक साक्ष्य हैं उसके आधार पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक। अच्छा, मृतक के जो 2 बच्चे हैं जो आज आए थे, वो आई विटनेस होने का दावा करें, उनके सामने उनके पिता की मारपीट की गई? देखिए, मृतक के 5 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, और उसके कुछ दूसरे 3 बच्चे हैं जो कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। उनमें सारे तथ्यों की जांच की जा रही है, और डिजिटल साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो सारे तथ्यों की जांच करने के बाद ही इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है।